कर रहा हूं। तो लोकतंत्र में किसी भी सजग नागरिक को बहुत सजगता और सतर्कता के साथ अपनी वोट और अपने ओपिनियन का को व्यक्त करना चाहिए, ताकि सारी की सारी हार्मनी, सारे के सारे शुभ और कल्याणकारी कार्य हम सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं, हम राष्ट्र के लिए भी कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये प्राथमिक आवश्यकता होती है कि आप जो बोल रहे हो तो बोलो, चलो बको मत, खेलो कूदो थको मत, देखो वालो पको मत, खाओ पियो छको मत। तो कहने का अर्थ ये है, जो अपने बुंदेलखंड में भूली जात है जवाली बात, तो तात्पर्य जो है कि आप बोलना तो 2 वर्ष की अवस्था में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, इसे सीखते सीखते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा आनंद कारी वरदान है जो हमको और आपको मिलता है, कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, ये हुनर, ये गुण हमारे और आपके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं देती है। तो मैं इस चीज में अखंड विश्वास करता हूं, और मेरे लिए लोकतंत्र के जो मायने, ये मैं आप लोगों से भी कहूंगा, ये निवेदन करूंगा कि क्या होता है, शब्द फलता है। आप जैसे शब्द फोलेंगे बोलेंगे, वैसे हमारी मानसिकताओं का निर्माण कर होने लगता है। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा इनका जाप करिए। तो आपने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का नहीं, चुनाव जुड़ने का विषय होता है। तो ये हम और आप एक दूसरे से, तब लड़ रहे करके आपने हमारी मानसिकता जो जुड़ने की अवस्था थी, आपने उसको लड़ने की तरफ प्रेरित कर दिया, और हम देखते हैं कि फिर वो हमारे जीवन में, वो कितनी भी राजनीतियां हैं ये तो, लेकिन हमारे जीवन में विरोध की जगह वैमनस्य ने स्थान ले लिया। तो जो विरोध व्यक्तियों से नहीं, विचारों के प्रति होता है, और वैमनस्य व्यक्तियों से होता है, और राजनीति या लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति का नहीं, वो विचारों का एक केंद्र होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में थोड़ा सा, चूंकि आप चौथे स्तंभ हैं और आपके ही माध्यम से लोगों की बात, लोगों तक वो तमाम विचार पहुंचते हैं, तो इसमें आपकी महती भूमिका। अब हमारे हाथ में क्या, अगर हमें माइक मिल गया है तो अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि या तो हम आपको जोड़ने वाली बात कर दें, या हम आपको तोड़ने वाली बात कर दें। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य ही मनुष्य को मारता और उतारता, मनुष्य ही मनुष्य को सवारता बिगाड़ता, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु और मित्र है, मनुष्य ही मनुष्य का इष्ट और अनिष्ट है, मनुष्य ही मनुष्य से दूर है पास है, और मनुष्य ही मनुष्य से प्रसन्न है उदास है। तो बात तो कहीं ना कहीं जो है किसी भी व्यवस्था की, तो हमारी और आपकी अवस्था ही व्यवस्था के निर्माण और चीजों के निर्मिति का कारण होती है। तो अगर हम अपनी अवस्था ठीक रखेंगे तो व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। बेहद व्यस्तता भरी लाइफ है, कहीं अभिनेता का रोल भी है, कहीं रोल नहीं है, अभिनेता मेरा व्यवसाय है आशीष, ये मेरा व्यवसाय है, और व्यक्ति के रूप में मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। और व्यवसाय जैसे अब आपका व्यवसाय, आपको इससे जीव को उपार्जन हो रहा है, किससे, कि खबरों को यहां से वहां तक, व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने की, ये जीव को उपार्जन। तो ऐसे ही अभिनय हमारा जीव को उपार्जन का साधन है। व्यस्तता के बाद बॉम्बे से यहां तक आ पाना, और आज हम देख रहे हैं पूरे देश में या प्रदेश में कहीं ना कहीं वोटिंग का परसेंटेज गिर रहा है, तो क्या संदेश उन लोगों के लिए होगा जो घर बैठे हैं, या अपने वोट का जो मूल्य कह रहे हैं आप समझना चाहिए? मैं, मेरा अपना ये मानना है कि जितना आवश्यक आपके लिए भोजन होता है, जितनी आवश्यक आपके लिए नींद होती है आपके उत्तम कल्याणकारी स्वास्थ्य के लिए, उतनी ही आवश्यक आपके लिए वोटिंग है। तो कितने ही व्यस्त आप क्यों ना हो, यदि आप अधिक व्यस्त रहना चाहते हैं तो अपनी उस व्यस्तता के दौर में से ये समय निकालिए, ताकि आप और अधिक पहले से व्यस्त रह सकें और मस्त रह सकें। तो इसके लिए आप कहीं पे भी जाएं, तो भोजन के लिए हम समय निकालते हैं, नींद के लिए हम समय निकालते हैं, तो हमें 5 वर्षों में सिर्फ एक अवसर आता है, तो हमें वोटिंग के लिए भी समय निकालना चाहिए। वोट कर क्या, वोट कर आप कह रहे थे जी, क्या संदेश है 4 घंटे? हाँ, मेरा ये मानना है कि समय खड़ा है सामने, जो कह रहा है लौट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, है ना। ये मूल मंत्र तंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, तो देश हित में वोट कर, तो वोट कर, वोट कर, तो वोट कर।
दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में तर। तुझी में सिद्धियां है सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, वोट कर। लोकतंत्र की बात करें, बहुत अच्छी से लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र और मतदाता, कितनी कितनी दोनों की आप मूल्य मानते हैं, कि लोकतंत्र की क्या अहमियत है भारत के लोकतंत्र की खासतौर पर, और एक मतदाता की कितना बड़ा उसका किरदार होता है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़े आनंद का विषय ही यही होता है आशीष, कि आप सड़क पे रहने वाला व्यक्ति जितना सजग जितना सक्षम होगा, उतनी ही संसद में बैठने वाला व्यक्ति भी सजग सक्षम और सहृदयी होगा। तो सड़कें अगर जगी रहीं तो संसद सजी रहेगी, और संसद यदि सजी रही तो सड़कें जगी रहेंगी। तो लोकतंत्र को सिर्फ और सिर्फ हम 545 तक ही सीमित ना रखें, कि जो सड़क से चुन के 545, तो चुनने वाला चुने गए से अधिक प्रवीण होता है। तो मेरा अपना यही मानना है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा वरदान है कि आपकी मत, आपकी बुद्धि, आपके चिंतन, आपके चित्त, आपके चरित्र के ऊपर इतना विश्वास किया जाता है इस व्यवस्था में कि। तो गाड़रवारा से आप सुन रहे थे, अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं आशुतोष राणा, जो कि कलाकार हैं, कवि हैं, और वो वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। प्रेम व्यास जी और अनिल चौहान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बातचीत कर रहे हैं। प्रेम व्यास, आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि अभी जिस तरह से एक कलाकार जब निकलता है घर से, तो लोग उनको देखने के लिए, क्योंकि बड़े पर्दे पर देख चुके होते, एक आकर्षण होता है। एक ऐसे ही नेता जब बड़ा नेता जाता है तो लोगों में उत्साह बढ़ता है, लेकिन एक आम नागरिक जब वोट करने के लिए नहीं जाता है, तो वो कौन सी बातें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं? क्योंकि कई लोग का ये कहना है कि हमें तो सुविधाएं नहीं मिल रही, हम वोट करने क्यों जाएं? तो वो अभी इस वक्त आज की परिस्थिति में उसे आप कितना प्रासंगिक मानते हैं कि लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए, कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए? देखिए, दो चीजें होती है। एक चीज तो यह होती है कि लोग अपने घरों में ये बैठकर सोचकर बैठ रहे हैं कि ठीक है, आना तो मोदी को ही है, 400 सीटें तो आनी है। निश्चित रूप से जब हमने पिछली बार जो वोट परसेंटेज कम हुआ था, तब हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो जिन जगहों से वोटिंग कम हुई थी वहां पर जब पता करने का प्रयास किया, तो वे आशान्वित नजर आए। और मैं पुनः आपसे प्रेम जी ये बात आप भूलदारी से कह रहे हैं, बाद में आप एक नेता का नाम लेके कह रहे हैं कि उनको आना है, इसलिए लोग आश्वस्त हैं, इसलिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ये बात आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस संबंधित कुछ इलाके थे जहां से वोट परसेंटेज गिरा, चूंकि हम धरातल पे कार्य करते हैं, और उन लोगों में जो समस्या आई वो ये थी कि उनका कहना था, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे भी प्रयास करा कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, जो विकास कर सकता है, निश्चित रूप से आप निकल कर वोट करिए। और उसी का असर अभी जो अभी लगभग 6-7 सीटों पर जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में भी कार्य किया गया है जो लंबे समय से कांग्रेस समर्थित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर निवेदन, प्रतिवेदन, आवेदन, उसके बाद में कार्य किया। ये कह रहे हैं कि लोग आश्वस्त हैं कि आएगी मोदी सरकार, इसलिए शायद इसलिए भी लोग थोड़ा सा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और वोट करने नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं इस टिप्पणी को बहुत गंभीर टिप्पणी मानता हूं, अच्छी टिप्पणी नहीं मानता। मेरा यह मानना है कि कोई भी आए, कोई भी जाए, लोकतंत्र में मतदान बहुत आवश्यक परंपरा है और ये होनी चाहिए। अगर ये कहकर और ये जिस तरह से अंधभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात देखिए, आज देश में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे शिवसेना हो, मैं अनिल चौहान आपके पास आऊंगा, अभी मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं भूपेश बघेल, रिनू, ये राजनांद गांव से तस्वीर, जहां पर ये लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, और अभी अपने मतदान केंद्र पर गए हैं या किसी बूथ पर विजिट करने गए, ये क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोलिंग बूथ में लंबी लंबी लाइन लगी है, और अभी तक के 30-35% तक की पोलिंग नांद गांव में हुआ है, बचे मोहला मानपुर वगैरह तो उससे भी अधिक हो गया है। तो ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, आज शादी ब्याह भी है और गर्मी भी है, इस कारण से सुबह से ही लोग जल्दी निकल गए, लंबी लंबी लाइन सभी पोलिंग बूथों में है। क्या कहेंगे लोगों को आज के वोटिंग?